नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयूधि शशि। 10 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, और खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है, खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। दिल्ली की राजधानी कैसे, देश की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, और अब सियासत इस बात पर हो रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा केजरीवाल की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से की है। प्रदूषण में किस तरह से जो इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। प्रदूषण के 5 जिम्मेदार कौन हैं, आपको यह भी जानना चाहिए। दिल्ली सरकार, पराली का जलना, हरियाणा सरकार, नियमों की अनदेखी होना, और पंजाब सरकार, जिसको लेकर जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, पल्ला झाड़ रही हैं। हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, या फिर दिल्ली सरकार हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमों की अनदेखी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पराली लगातार जलाई जा रही है, और इसे लेकर जो नियम बनाए गए हैं, इसे लेकर जो विकल्प तैयार किए गए हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है। तेजिंदर बग्गा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से करते हुए आप देखिए कैसे आज के दौर के हिटलर करार दिया है। पोस्टर्स लगा दिए बकायदा अरविंद केजरीवाल के, और दिल्ली में इस तरह की आबोहवा हो चुकी है कि मानिए आपको कुछ ही दूरी पर भी दिखने वाली इमारत अब दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस तरह से धुंध है, इस तरह से प्रदूषण है कि सबके लिए चिंता का विषय है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के तमाम शहरों का प्रदूषण से दम घुट रहा है। छोटे बच्चों के स्कूल बंद हैं, कई पाबंदियां लागू हैं, आदेश के बाद आदेश जारी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है। लेकिन प्रदूषण की मार से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों पर अघोषित पाबंदी लगा दी गई है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से कर डाली है। दिल्ली की दीवारों पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, और इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, केजरीवाल दूसरे ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने शहर को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। हिटलर ऐसे पहले शासक थे। तेजिंदर सिंह बग्गा ने केजरीवाल के लिए ऐसे पोस्टर क्यों लगाए, इसका जवाब भी दिया। बताया कि वो किस तरह से हिटलर की तरह हैं। देखिए, हमने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि दिल्ली के मालिक ने दिल्ली को गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पदे चुनाव पर चल के काम करता है तो उसकी तुलना उससे होनी चाहिए। इतिहास में हमें एक ही घटना ऐसी मिलती है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर अपने लोगों को गैस चैम्बर बना के मारा हो, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दूसरी घटना है। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के पदे चुनाव पर चलता है तो उसकी तुलना निश्चित रूप से उसके साथ होनी चाहिए। अब आपको ये जानना चाहिए कि हिटलर कौन था, राजनीति में जिसकी आज भी चर्चा होती है, और किसी भी कठोर फैसले को हिटलर की तरह लिया गया फैसला करार दिया जाता है। 70 साल पहले जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन था। वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। पोलैंड का ऑशविट्स, ये नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा नजरबंदी शिविर था। हिटलर के आदेश पर नाजी खुफिया एजेंसी SS यहाँ पर यूरोप भर से यहूदियों को पकड़ कर ले आती थी। इन लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला जाता था, यानी गैस चैम्बर इतना खतरनाक था कि इसमें जाते ही लोगों का दम घुट जाता था और उनकी मौत हो जाया करती थी। सियासी वार और पलटवार के बीच दिल्ली में आजकल भाषणों का दौर चल रहा है, और जनता को नसीहत दी जा रही है कि कृपया दिल्ली को स्वच्छ रखें, यह आपकी दिल्ली है, इसे आप संवारें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता से वोट लेने वाले जिम्मेदारी कब लेंगे? क्या दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए इनकी ओर से कोई पहल नहीं होनी चाहिए? और इस वक्त मेरे साथ अनिल विज फोन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका जी न्यूज पर। और सवाल मेरा यही है कि आपने जिम्मेदारी लेते हुए पल्ला झाड़ लिया, एक तरह से जवाबदेही तय नहीं की, और कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार नहीं। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी को अपनी समस्याएं खुद निपटनी चाहिए।
उनका ठीकड़ा दूसरों को क्यों फोड़ते हैं, यमुना साफ उनसे नहीं हुई आरोप हमारे पर लगाते हैं। अरे आप पानी की टेस्टिंग कर लो, जब दिल्ली में प्रवेश कर रही है तो क्या उसका टेस्ट है, और जब वो ओखला जाती है तो क्या टेस्ट है। अब ये करने की बजाय ये एक नई राजनीति को शुरू कर रहे हैं कि सारी जो असफलताएं हैं उनको दूसरों पर थोप दो। हम अपने हरियाणा में पूरे प्रबंधन कर रहे हैं, पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है वहां वो क्यों नहीं कर रहे। पहले कहते थे पंजाब से आती है, अब एक बार मुंह से नहीं कहा कि पंजाब से आती है, अब कहने लगे जी मध्य प्रदेश से आती है। अरे सारे हिंदुस्तान की हवाएं दिल्ली में क्यों आती है, किसी और तरफ क्यों नहीं जाती है। मध्य प्रदेश की भी दिल्ली आएगी, हरियाणा की भी दिल्ली आएगी जी। कोई एयरवेज के लिए जो डायरेक्शन है उनको भी तो आप देखो, दे आर नॉट सीइंग इंटरनल फैक्टर्स। और चलो आज 400 है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा, बाकी जाती है, इसको ठीक करना चाहिए। जब पराली नहीं जलती तब दिल्ली की कितनी होती है, उसको क्यों नहीं ठीक करते ये। अनिल विज जी, लेकिन कोई तो ऐसा कारण होगा। मैं अगर एक बार मैं छोड़ दूं कि दिल्ली सरकार की मैं बात नहीं करूं आपसे, मैं एक आम आदमी का सवाल अगर आपसे करूं कि कोई तो कारण ऐसा होगा, अगर आप पराली की बात को स्वीकार करते हैं तो क्या हरियाणा सरकार की जवाबदेही नहीं बनती इसे लेकर। हमने काम शुरू कर दिए, हमने पराली को जो हमारा पानीपत में प्लांट है वहां पर देने का हमने इंतजाम कर दिया, और काफी टन पराली इस वर्ष की भी है, और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पर लोग छोटे एंटरप्रेनर्स लगाएं, खाली उसके बेल्स बनाने के बनाएं, खाली उसके बेल्स बनाएं, बेल्स बनाने के बाद वो बर्थों में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है सारे में वो जा सकते हैं। हमने काम शुरू कर दिया उस लोग को। नहीं, हिदायत तो ये भी दी जा रही थी कि किसी भी तरह से पराली को खेत में ना जलाया जाए, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं किसान, पराली जला रहे हैं। आप देखिए कि अगर हरियाणा में 1200 है तो पंजाब में 12000 है, आप अंतर देखिए। हम यहाँ पर नियंत्रण भी कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, और फिर समस्या का समूल समाधान करना होता है। ये नहीं कि आप एकदम फांसी पे नहीं लगा सकते हो, आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग आए यहाँ पर, वो जो बॉक्स है पराली के बनाए और वो ट्रक पे चढ़ के किसी न किसी फ्यूल जहां लगता है वहां लग जाए, वो हम उसकी योजना कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, तुलना तो किसी की किसी से नहीं की जा सकती, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी सरकार की तुलना पंजाब सरकार से हो। आपने जैसे आंकड़े गिनाए, मेरा ये सवाल है कि आपकी तो लंबे समय से सरकार भी है हरियाणा में, तो फिर हर साल हम इस तरह के मामले क्यों देख रहे हैं, क्यों ये जो औसत है, क्यों ये जो प्रतिशत है पराली जलाने का, ये जो मामलों का प्रतिशत है, ये कम नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। इसको तो बैठ के केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा, और अगर उनको कुछ इंडस्ट्रियां इसको पराली को खत्म करने के लिए दूसरे प्रदेशों में लगानी पड़ती है तो लगानी चाहिए। हम भी तो लगाते हैं, हम भी तो अपना पानी के लिए दूसरे प्रदेशों में इंतजाम करते हैं, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं करते। सारा दिन घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, आप अपने लगाओ ना, और मना करते हैं। अब एक समस्या है तो उसको एकदम कह देना थोड़ा खत्म हो जाए जी। दिल्ली सरकार के पास तो पैसा भी इतना आता है, इतना रेवेन्यू आता है इनके पास, उसको सकारात्मक लगाएं। सारी जगह पर जो NCR है या आसपास है सब जगह पर खत्म कर रहे हैं कि दिल्ली अपने पैसे से लगाए ना, क्या दिक्कत है। दुनिया लगाती है, देश लगाते हैं, तो इनको क्या दिक्कत है। हम सहयोग करेंगे पूरा, हम भी लगा रहे हैं, ये भी लगाए, लेकिन परेशानी किसे हो रही है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। परेशानी हो रही है दिल्ली वासियों को, परेशानी हो रही है NCR के लोगों को। अनिल जी, हाँ जी, परेशानी तो आम आदमी को हो रही है ना सर, उसी हवा में आपको भी सांस लेना है, केजरीवाल को भी सांस लेना है। ये ऐसी बात, ये सर, ये ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि जल्दी राजनीतिक पार्टी देख के कि वहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टी वहाँ की हवा ज्यादा प्रदूषित कर रही है, कि ये इसको प्रणाली का जब तक हम निस्तारण नहीं करेंगे, इसको कहीं ना कहीं हम यूज नहीं करेंगे ताकि फ्यूल में यूज भी हो जाए और प्रदूषण भी ना हो, ऐसे प्लांटों में नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमें छोटे छोटे प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। अनिल जी, मैं आप एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इसका समाधान फिर क्या है। आप लंबे समय से राजनीति में इस मुद्दे पर हम हर बार चर्चा कर रहे हैं। ये डंडे से सारे समाधान नहीं होते हैं, समाधान यही है कि किसान जो है उसकी पराली बिक जाए, उसको भी कुछ पैसे मिल जाए, और वो पराली जो है वो प्लांट तक चली जाए,
उनको भी पैसे मिल जाए और प्रदूषण भी बच जाए, सिस्टम बनाना पड़ता है। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, फ्री में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन हवा कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, हवा की गुणवत्ता शुद्ध कैसे होगी? ये तो जो फ्रीबीज के सप्लायर हैं वही बता सकते हैं कि कैसे करेंगे। और जब सवाल पूछा जाएगा आपसे, सवाल पूछा जाएगा हरियाणा सरकार से, तो फिर कौन जवाबदेही तय करेगा? नहीं, जवाबदेही तो देखो सबकी जनता तय करती है प्रजातंत्र में। हम चाहे कुछ भी बोलते रहे, केजरीवाल जी कुछ भी बोलते रहे, निष्कर्ष जनता निकलती है, तो वो जनता बड़ी सजग है। वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ करने दिया नहीं जाता, सारी आबो हवा खराब कर दी है दिल्ली की। करे ना जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पराली निस्तारण करने के लिए हरियाणा में प्लांट लगाए, कौन मना कर रहा जी उनको? जी लगाए ना जी, हमने शुरू किया है, पर हम जो छोटे स्केल पे कर रहे हैं, आप ज्यादा प्रभावित है, आप करिए ना ज्यादा, आप पंजाब में लगाए ना जी। ठीक अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें रखने के लिए। अभी हरियाणा सरकार से इस वक्त हमारे साथ अनिल विज जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य मंत्री भी हरियाणा के वो रहे, और इस वक्त उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि पराली जलाने को लेकर जो राजनीति हो रही है इसके आंकड़े क्या कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त कहां पर कितना बना हुआ है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में आपको समझना चाहिए। आप ही देखिए, दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है, यानी हवा की गुणवत्ता पहुंच चुकी है 431, ये खराब श्रेणी में आता है, और 400 से पार हो जाना खराब श्रेणी में आता है, इसे लेकर लगातार अलर्ट भी जारी किया गया था। नोएडा में 529 पहुंच चुका है, यानी बेहद खराब श्रेणी में AQI, बद से बदतर है हवा में गुणवत्ता। और गाजियाबाद में 374 है, फरीदाबाद में 384 है, नेहरू नगर में 439 है, धीरपुर में 534 धीरपुर में बना हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की हवा में सांस लेने को मजबूर हैं हम और आप। गुरुग्राम में 478 है, तो दिल्ली एनसीआर में हवा अब जहरीली हो चुकी है। और हम यही आपसे अपील करते हैं कि छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ पर्यावरणविद आनंद आर्य जुड़ चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर। प्रमोद शर्मा भी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर मैं आपके पास आऊं, प्रमोद आप मुझे जल्दी से अपडेट दीजिए, क्योंकि इतनी बद से बदतर हो चुकी है कुछ जगहों पर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता कि ना तो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, ना ही बड़े बुजुर्गों को बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल पायुदी, दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, या यूँ कहें कि प्रदूषण का आपातकाल जो है वो लागू हो चुका है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो पंजाब में पराली जलाया जाना बताया जा रहा है, क्योंकि पराली जो नवंबर में जब धान की खेती होती है उसके बाद उसे जलाया जाता है फसल काटने के बाद, तो उसके बाद जो हवा है वो दिल्ली की तरफ आती है, तो यहाँ का प्रदूषण का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है इंडस्ट्री नहीं है। और दिल्ली के आसपास के जितने भी शहर हैं या आप ज़िले हैं, आप मानिए गाज़ियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, यहाँ पे तमाम इंडस्ट्री लगी हुई है और ये इंडस्ट्री पूरे साल चलती है, तो प्रदूषण का स्तर जो है ख़राब तो रहता ही है। लेकिन जब पराली का धुआं जब दिल्ली की तरफ आता है तो इस पूरे NCR को वो है वो जहरीला बना देता है, और यही वो वक्त होता है हर साल नवंबर का जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। दिल्ली के अंदर लगभग जो है पिछले 5 साल से करीब 25,000 ऐसे मालवाहक वाहन थे, जो डीजल की गाड़ियां थी, जो यूपी से हरियाणा होकर जाती थी, हरियाणा जाती थी दिल्ली से होकर, लेकिन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो बाहर बाहर से होके निकल जाती है। तो कई सारे जो है उपाय किए गए थे दिल्ली के अंदर से 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरीके से हटा दिया गया था, लेकिन बावजूद कि इसके हर साल जो है प्रदूषण जो है वो अपने जी इतने खतरनाक लेवल तक आ जाता है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ, आनंद आर्य भी हमारे साथ हैं। सर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इन परिस्थितियों में सर्वाइव कैसे किया जाएगा? देखिए, जब तक कि हवा इतनी प्रदूषित है तो मेरी तो सलाह यही है, और जो मैं खुद भी कर रहा हूं, कि जब भी घर से बाहर निकलें और जहां तक हो सके घर में भी अगर आप विंडोज वगैरह खोल के बैठे हैं तो एक N95 मास्क यूज कीजिए, जिससे आपकी
जो फेफड़े हैं, आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर उतना असर ना पड़े। और अगर आप किसी तरह अफोर्ड कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, तो आप अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा के रखें। पर सवाल यही नहीं ख़त्म होता, ये सिर्फ हमारे लिए है। मेरा ये फंडामेंटल एक राइट है, मेरा संवैधानिक राइट अधिकार है कि मुझे साफ पानी, साफ हवा मिले। अब इसके लिए आज हम पराली पराली कर रहे हैं, पर पराली तो एक महीने का करीब का हिस्सा होता है, पर बाकी का, और यही जो पराली का पोल्यूशन ऐड हो जाता है तो हम खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं। और अगर हम बाकी का जो प्रदूषण है, जैसे आज अगर आप 500 या 450 की बात कर रहे हैं AQI की, उसका 30% का हिस्सा होगा पराली का। बाकी का जो हिस्सा है वो तो आपका 24 घंटे 365 दिन वाला है। अगर हम उसको कंट्रोल करके 50 AQI के नीचे ले आए, तो उस समय अगर ये जुड़ भी जाता है, आपका 150 हो जाता है, तो हम 200 रहेंगे, 250 रहेंगे, पर 400, 500, 600, 700, 800 में नहीं पहुंचेंगे। अब इसके लिए एक एक चीज हम लोगों ने शोर मचाया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सारी जनता अपनी तरफ से खूब बोल चुकी है, और इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की एक EPCA करके एक कमेटी हुआ करती थी, जो 2014 या 13 या 15 में शुरू हुई, उसने एक एक चीज में ये डिसाइड किया। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। कैसे इस आबो हवा में सांस ली जाएगी? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इंसान तो हम सभी हैं सर। हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है? नहीं मैम, बिल्कुल। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात। संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के नेता। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से उनसे कनेक्शन हम साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर गंभीर है, और इस मामले पर प्रदूषण पर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि दिल्ली की हवा में जहर है और CM को माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, जगदम्बिका पाल ने कहा है कि केजरीवाल ने जिम्मेदारी नहीं ली है, आपके पास कोई समाधान ही नहीं है। और मैं फिर पुनः पूछता हूं देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर से, कौन है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मोदी जी को भी नहीं पता, कोई होंगे? पर पर्यावरण मंत्री जी और केजरीवाल जी, अगले 15 दिन में आप दिल्ली और संपूर्ण नॉर्थ इंडिया, क्योंकि आप तो आपको पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या लग रही है, इस नॉर्थ इंडिया के अंदर AQI की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट बताइए। और आज आपने कहा मैं जिम्मेदार हूं, तो अभी 6 बजे से पहले अपना इस्तीफा दीजिए, क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग सत्ता में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने स्वयं ने माना कि मैं जिम्मेवार हूं इस पॉल्यूशन के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ये कह करके कि 6 महीने का वक्त है, ये हनीमून पीरियड है, तो भगवत सिंह मान के लिए 6 महीने नहीं, पराली अभी जलाई जा रही। पिछले साल की तुलना में पंजाब में इस बार 33% अधिक पराली जलाई जा रही, जिसके कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर हो रहा है। जब ये मुख्यमंत्री इनका आप पार्टी का नहीं था पंजाब में, तो कहते थे ये जो दिल्ली का प्रदूषण, इसके लिए पंजाब सरकार या हरियाणा ये जिम्मेदार है। आज आप पार्टी की बन गई, तो उन्होंने पराली को रोकने के लिए कोई उपाय किया क्या? पराली के लिए किसानों को 6 महीने के अंदर उन्होंने कोई घोषणा की कि अगर किसान पंजाब का पराली नहीं जलाएगा तो हम उसको इतना पैसा पर एकड़ देंगे? तो आज कोई उपाय नहीं, केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल तक जब तक दिल्ली में थे तो दूसरा ब्लेम गेम कर रहे थे, आज भी केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात चले गए, तो उनके पास तो समय है नहीं। मतलब अभी गुजरात है, इसके पहले पंजाब थे, हिमाचल थे, तो लगातार तो दिल्ली के पैसे से जो आज सरकार में है केवल ब्रांडिंग और विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं प्रदूषण के लिए। तो सुना आपने, कांग्रेस पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कह रही है कि अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़ रही हैं। प्रमोद, आपका धन्यवाद। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो एक बात कही कि किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, AQI अगर 50 पर आते हैं फिर हम ये कह सकते हैं कि आगे पराली जलाने के मामलों के साथ साथ 200 पर अगर ये मेंटेन रहता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन ये इतना आसान
नहीं लगता। और इसीलिए अब आप समझिए कि वो पांच जिम्मेदार कौन है जिसको लेकर हम कहते हैं कि प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है और हवा की जो गुणवत्ता है वो बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार दावे किए थे कि आप मेरे हाथों में दिल्ली को सौंपेंगे तो मैं इसकी काया पलट दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा की शुद्धता पर बात हो। हरियाणा सरकार, जिसने पल्ला झाड़ते हुए सीधा आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी पर और ये कह दिया कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। पंजाब सरकार, जिसका बचाव अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि ये तो हनीमून पीरियड है, 6 महीने का वक्त लगता है, अभी अभी तो कार्यभार संभाला है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अभी बनाने की जरूरत है या फिर पहले से बनाई जा रही थी? पराली जलाना, इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर हर साल राजनीति होती है, हर बार नए नियम बनते हैं, हर बार मांग होती है, कुछ नहीं होता। नियमों की अनदेखी, नियम बना दिए गए लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा और पालन सख्ती से करवाया नहीं जा रहा। दिन में अगर पराली नहीं जलाने के लिए मनाही है तो फिर रात में पराली जलाई जा रही है और अब इसका समाधान क्या है कोई नहीं जानता। और अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या अहम फैसले लिए हैं, यह भी आप जान लीजिए। पहला फैसला यह है कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। छोटे बच्चों के लिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं, एक तरह से आगाह कर रहा है जी न्यूज आपको, बिल्कुल बच्चों को बाहर ना निकालें। दफ्तर में जो स्टाफ है उसे 50% कर दिया है, ये दिल्ली सरकार के कदम है इस प्रदूषण को देखते हुए। पांचवी प्लस आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी है, पांचवी यानी फिफ्थ क्लासेस, जो ज्यादा क्लासेस के बच्चे हैं यानी फिफ्थ टू ट्वेल्थ, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ एक बार फिर से ऑड और इवन पर विचार चल रहा है, ये भी आपको बता दें। लोडेड ट्रक्स को हालांकि बैन किया गया है, ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, खासतौर पर जो लोडेड ट्रक हैं और एक लंबे रूट वो तय करते हैं, फिलहाल उनकी एंट्री बंद है, डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।